जय हिंद दोस्तों, आई होप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ भर्ती 2022 के अंदर। ये रेलवे पुलिस होती है, इनका कार्य रेलवे स्टेशनों पर मतलब ड्यूटी करना होता है। तो दोस्तों, इसके अंदर बता दूं कि आपको अगर इसके अंदर लगना है तो इसके अंदर दो पोस्ट रहने वाली है, एसआई की, रेलवे एसआई की और रेलवे पुलिस कांस्टेबल की। तो दोस्तों, दोनों के अंदर फॉर्म फिल करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसके अंदर बात करते हैं रेलवे पुलिस कांस्टेबल की, तो रेलवे पुलिस कांस्टेबल के अंदर आपकी 10वीं पास होना आवश्यक है। अब बात करते हैं एसआई की, तो इसके अंदर आपकी ग्रेजुएशन पास होना चाहिए दोस्तों, तभी आप इसके अंदर फॉर्म फिल कर पाओगे। तो दोस्तों, इसकी बात करते हैं कि आरपीएफ की भर्ती कब आएगी। तो आरपीएफ की भर्ती आपके नवंबर में फॉर्म स्टार्ट कर दिए जाएंगे दोस्तों। बहुत शानदार नौकरी है, इसका वेतन भी 69,100 रुपया है साथ वेतन लगने पर। तो इसके अंदर दोनों ही पद रहने वाले हैं दोस्तों। दोनों पदों से आप अगर फॉर्म फिल करना चाहते हो, ग्रेजुएशन कर रखे हो, तो दोनों पदों से फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके एग्ज़ाम भी बहुत जल्द आने वाली है। इसके जो शुल्क आवेदन की बात करें तो इसके अंदर ओबीसी वालों के लिए 100 रुपया रखी गई है, एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए यहाँ पे कोई शुल्क नहीं रखा गया है दोस्तों। और जो इनकी प्रथम माह की सैलरी है वो 19,100 रुपये से स्टार्ट की जाती है दोस्तों। अब इसके बात कर लेते हैं, पहले आपका रिटर्न टेस्ट होता है इसके अंदर। अगर आप रिटर्न टेस्ट पास कर जाते हो दोस्तों, तो उसके अंदर आपको फिजिकल पास करना रहता है। अगर इसके बाद आप फिजिकल पास कर जाते हो तो आपका मेडिकल किया जाता है, और मेडिकल पास करने के बाद आपकी जो फाइनल मेरिट बनती है वो आपके अंकों के आधार पर बनती है सभी को जोड़ के। अगर फाइनल मेरिट में आपका नंबर आ जाता है तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है दोस्तों। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद आपका ट्रेनिंग सेंटर दिया जाता है। ट्रेनिंग सेंटर आप ट्रेनिंग करने के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा दोस्तों। फिर आप इस वैकेंसी में आपकी जॉब लग जाएगी दोस्तों, और 19,100 रुपये से आपकी सैलरी स्टार्ट की जाएगी। तो दोस्तों, ये वैकेंसी नवंबर में आने वाली है, बहुत शानदार वैकेंसी है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता है इसके अंदर। तो दोस्तों, रेलवे स्टेशनों पे आपकी ड्यूटी लगती है, बहुत शानदार नौकरी है, क्योंकि इस नौकरी में सब्जेक्ट आपका, इसके अंदर सब्जेक्ट की बात करें तो इसके अंदर 25 नंबर की आपकी मैथ रहने वाली है, 25 नंबर की आपकी रीजनिंग रहने वाली है। अगर चाहो तो आप जनरल इंग्लिश या जनरल हिंदी दोनों में से एक चूज कर सकते हो, 25 नंबर की आएगी, और आपका 25 नंबर का इंडिया जीके रहने वाला है दोस्तों। तो हर प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा, 100 नंबर का रहेगा, 120 मिनट आपको यहाँ पे पेपर अवधि मिलने वाली है दोस्तों। तो बहुत शानदार नौकरी है, आप चाहो तो इसके अंदर फॉर्म फिल कर सकते हो। नवंबर में इसकी फॉर्म शुरू कर दिए जाएंगे, और इसके अंदर आप भी लगने का सपना पूरा कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, बहुत बढ़िया नौकरी है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद।